तो हे एवरीवन आप सबके डिमांड पर बहुत दिनों बाद में हुडेड आइज पर आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मेकअप लेकर आई हूँ आई मेकअप लेकर आई हूँ और आइज़ देख सकते हो जो आइज झुकी हुई रहती हैं उनको हुडेड आइज़ कहते हैं तो चलिए यहाँ पर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आईब्रोज को आज हम पहले डिफाइन करेंगे काफ़ी टाइम हम लोग बाद में डिफ़ाइन करते हैं काफ़ी टाइम पहले डिफ़ाइन करते हैं तो इस तरीके से एंगुलर ब्रश आप लेंगे और आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूंगी मैं इस तरीके के से आईब्रोज इनकी थोड़ा बहुत अन ईवन है बट इनको थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा करनी थी आईब्रोज की इस वजह से मैंने थ्रेडिंग नहीं की एंड आउटर कॉर्नर से आप चाहो तो थोड़ा सा डार्क रख सकते हो बट इनर कॉर्नर से आपको हमेशा लाइट ही रखनी है आईब्रोज ताकि जो आईब्रोज बने वो फेक ना लगे औरिजिनल लगे रियल लगे एंड आप लास्ट में देखोगे कि इनकी आईब्रोज इतनी प्यारी लग रही थी इसके बाद क्या करेंगे हम एक लाइट सेट का कंसीलर लेंगे अपने स्किन टोन से दो तीन शेड लाइटर हम कंसीलर का शेड लेंगे लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने गलती से डार्क कर बोल दिया था जबकि लगा मैं यही वाला रही थी तो उसके लिए सॉरी और इसको अच्छे से हम ऑल ओवर लिड पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे और इससे हम पूरा आई बेस बनाएंगे तो जो हमारी मेकअप की क्लास है रेगुलर मेकअप की क्लास है एक दो दिन हो गए थोड़ा सा मिस हो गई हैं वो तो कल से कंटिन्यू आएंगी वाली क्लासेस आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इस वजह से मैंने ये आई मेकअप करके ही अपलोड कर दिया तो इस तरीके से हम एक छोटे फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको ऑल ओवर लिड पर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे एक तरह से हमारा पूरा का पूरा आई मेकअप टिका होता है इस बेस पर ठीक है लाइटर शेड पता है क्यों लेते हैं लाइटर शेड इसलिए लेते हैं कि आई शेडोज़ के जो कलर होते हैं ना जब वो लाइट कंसीलर के ऊपर लगते हैं तो बहुत प्यारे खिल के आते हैं अब हमें क्या करना है स्मोकी आई मेकअप करना है वो भी ब्राउन कलर का ब्लैक नहीं करना है ब्राउन करना है तो हम क्या करेंगे वही वाला मैं जेल लाइनर लूंगी जिससे मैं अभी तक आईब्रोज को फिल कर रही थी और एक छोटे से इस तरीके के फ्लफी ब्रश जो कि बहुत बड़ा नहीं है उसको लूंगी और लिड पर इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी इस प्रोडक्ट को जब मैं ये आ, क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी तो ज्यादा एरिया को कवर नहीं करूंगी ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगी ब्राउन कलर का आई सेडो लूंगी मैट में एंड इसको धीरे 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 धीरे, धीरे अपर डायरेक्शन में इसको ब्लैंड करते रहूंगी ठीक है तो इसको ब्लेंडिंग करते टाइम पे आपको जो ब्रश है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है अदरवाइज ये पूरी लिड पर फैल जाएगा आप उसको उसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लेंड करेंगे जहाँ पर आप इसको करना चाहते हो स्मोकी आई मेकअप भी कई तरह के होते हैं ठीक है एक तो होता जो फुल्ली स्मोकी होता है वो रियल लाइफ में किसी को पसंद नहीं आता है वो मॉडल्स पे ही अच्छा लगता है ठीक है ब्राउन स्मोकी आई मेकअप आप चाहो तो ब्राइडल पर दे सकते हो जिनकी हुडेड आइज है ना उन पर सबसे ज़्यादा यही चलता है अब हम क्या करेंगे एक दूसरे ब्रश में लाइट ब्राउन कलर का शेड लेंगे और इस तरीके से इसको ब्लैंड करते हुए अपर डायरेक्शन में जाएंगे कहीं पर भी पैच ना लगे जहाँ पर हमारा ये डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन है वहाँ को उसको अच्छे से मर्च कर देंगे ठीक है इसके बीच में मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर डार्क है यहाँ पर लाइट है इक्वल इक्वल इसको कर देंगे अब मैं एक दूसरा फ्लफी ब्रश लूँगी थोड़ा सा बड़ा नीट एंड क्लीन और उसमें क्या करेंगे कि एक और लाइटर ब्राउन की जैसे फैमिली होती है तो उसमें तीन चार कलर होते हैं तो सबसे लाइट शेड में लूंगी और उसको इस तरीके से ब्लेंड कर दूंगी लोअर साइड में भी सेम वही वर्क करना है हमने जब हमने फाउंडेशन लगाया हुआ रहता है फेस पर तब हमारे लोअर साइड में ज़्यादा फिनिशिंग आती है बट इस टाइम पे फाउंडेशन नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा विजिबल वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आपको जैसे पूरा फेस मेकअप करना है तो जब आपने इतना कर लिया आई मेकअप इसके बाद आप बेस मेकअप कर लो और लोअर साइड का जो आई मेकअप है उसको आप आफ्टर बेस भी कर सकते हो ठीक है अब क्या करेंगे हम इसको फिनिशिंग देखो तब तक देनी है मैं हमेशा आप लोग को बताती रहती हूँ कि जब तक कि हमें ऐसा ना लगे हमारा वर्क कंप्लीट हो गया आईब्रोज़ की अपर डायरेक्शन में भी उसको फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है तो मैं सेम यही कंसीलर लूँगी और यहाँ से भी इसको फिनिशिंग दूंगी आईब्रोज़ की शेप देखिए हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगनी चाहिए आईब्रोज जब आपकी अच्छी बनी हुई होती है ना तो आपकी जो फेस की शेप होती है वो बहुत प्यारी लगने लगती हैं ठीक है थीके? तो इस कंसीलर को मैं इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आ, जो है अप्लाई करूँगी और आई मेकअप के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है जो छोटे ब्रशेस होते हैं ना उनका ही यूज करें फिर इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से ताकि यहाँ पर बहुत पैची पैची सा ना लगे और आप लोग थोड़ा सा नोट कर पा रहे होंगे कि इनकी स्किन पर फॉर की तरफ देखिए थोड़ा सा पैच बन रहे हैं तो इट मीन्स इनका स्किन का क्लीन अप नहीं हो रखा है तो अगला मेकअप करने से पहले हम ये चीज भी करेंगे बिफोर प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी मस्कारा होता है मस्कारा की कोटिंग आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करो तो ज्यादा बेटर रहता है और हुडेड आइज में अगर कोई क्लाइंट आपको ये बोलता है कि हमको जो है फॉल्स अप्लाई नहीं करनी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो ये डेफिनेटली उनकी चॉइस पर डिपेंड होता है जिनको फॉल्स आईलेसेस नहीं लगानी होती वो अवॉइड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं उसके बाद आईब्रोज को हम एक बार फिर से डिफाइन करेंगे काफी अच्छे से ताकि अगर कहीं पर भी ये व्हाइट कंसीलर लग गया हो तो उसको हम क्लियर आउट कर सके अब देखिए यहां पर हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी भी करनी बाकी हैं तो अब हमें क्या करना है अब हमें करना है ब्रो बोन को हाईलाइट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है तो उसके लिए हम एक हाईलाइटर लेंगे एंड एक छोटे ब्रश की हेल्प से इस तरीके से ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे हाईलाइटिंग करने के बाद जो है आई मेकअप और भी ज़्यादा इनहेंस होता है और भी ज़्यादा प्यारा लगता है ये ना मैट स्मोकी है अगर आपको इसमें सिमर वाला टच देना है ना तो आप चाहो तो इसमें जो है प्रेस्ट ग्लिटर होते हैं ना उसको अप्लाई कर सकते हो के ऊपर चाहो तो ग्लिटर लगा सकते हो ठीक है वैसे हुई पर हाईलाइट करेंगे इससे क्या होता है जो आइज़ है।, है वाइट काजल का यूज भी करते हैं तो ये रहा यहाँ पर हमारा कम्प्लीट आई मेकअप और आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली के